सभी दोस्तों को मेरा यानी आरएस चहल का नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं आपको संधिवात यानी संधियों में दर्द, जोड़ों में दर्द जिसे आर्थराइटिस भी बोला जाता है और इसे आयुर्वेद में संधि शूल का नाम दिया गया है या संधि बात भी कह सकते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी कि लगभग 20-25 दिनों में इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो उसके लिए एक योग मैं काफ़ी समय से बनाता हूँ और काफ़ी रोगियों को दिया है। इससे जो है ये दर्द, संधियों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जो है शरीर बिल्कुल निरोग हल्का हो जाता है। कैल्शियम की कमी अगर हो तो वो भी दूर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा योग है। वैद्य मित्रों के लिए ख़ास तौर से मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने क्लिनिक पे इसको ज़रूर बना के रखें। तो बनाना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरे पास कुचला है, तो इस कुचले को मैंने लहसुन के रस की 3 भावनाएँ दे रखी हैं। आप कुचला, शुद्ध कुचला लेके आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको लहसुन के रस की भावनाएं दे सकते हैं आप तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा जो है इसमें पड़ने वाली औषधियों की अगर बात करें तो आपने लेना है अर्जन की छाल, जिसका कि मैं ये गणसत्व निकाल रहा हूँ। अर्जन की छाल लेनी है आपने 250 ग्राम, और 250 ग्राम आपने लेनी है अश्वगंधा की जड़। तो इन दोनों औषधियों को इकट्ठा ही रात को भिगो दें और इनको हल्का हल्का कूट के, जौ कूट करके रात को इनको भिगो दें और सुबह जो है इनका गणसत्व निकालना है। ये जिस तरीके से मैं गणसत्व निकाल रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि गणसत्व इस तरीके से निकलता है, बिल्कुल मंद आग पे, बिल्कुल मंद मंद आँच पे। जब आपका ये गणसत्व तैयार हो जाए तो आप इसमें से, ये जो दोनों का मिला जुला गणसत्व है, इसमें से आपने तोल के 12 ग्राम गणसत्व लेना है। बिल्कुल जब सूख जाए तो इसको तोल के आपने 12 ग्राम गणसत्व लेना है इसमें से। यानी मैं आपको एक महीने की डोज बता रहा हूँ। आपने ज़्यादा बनाना हो क्लिनिक के लिए तो ज़्यादा बना सकते हैं, अनुपात यही रहेगा। तो ये लेना है आपने 12 ग्राम, यानी अश्वगंधा और अर्जन की छाल दोनों का गणसत्व, मिला जुला गणसत्व इकट्ठा ही निकाल देते हैं हम, अलग अलग भी निकाल सकते हैं आप। तो ये गणसत्व आपने लेना है 12 ग्राम। और दूसरी जो औषधि आपने लेनी है मीठी सुरंजा 30 ग्राम, चोप चीनी 30 ग्राम, कुकटान तवक भस्म आपने लेनी है 6 ग्राम, अवरक भस्म आपने लेनी है 6 ग्राम, एकांगवीर रस की गोलियां आपने लेनी है 6 ग्राम। 6 ग्राम में जितनी भी गोलियां आ जाएं उतनी डाल लें आप। शुद्ध कुचला लेना है आपने 3 ग्राम। औषधियां दोबारा से नोट कर लें, ये अर्जन और अश्वगंधा का गणसत्व, मिला जुला गणसत्व आपने लेना है 12 ग्राम, एकांगवीर रस में से 6 ग्राम, चोप चीनी 30 ग्राम, मिठी सरंजा 30 ग्राम, शुद्ध कुचला 3 ग्राम, कुकटांड तवक भस्म 6 ग्राम, अवरक भस्म सतपुटी 6 ग्राम। तो अब इनको क्या करना है आपने, जब ये आपका गणसत्व तैयार हो जाए तो इसको ठंडा करके बिल्कुल बारीक पीस लें और इसको तैयार करके इसमें से आपने 12 ग्राम निकाल लेना है। और ये मिठी सरंजा और चोप चीनी इनको अलग से पीस लें,
चाहे तो हमाम दस्ते में, चाहे तो मिक्सी में पीस लें, और उसके साथ ही एकांगवीर रस की जो टेबलेट हैं वो भी साथ में मिला दें, और फिर अंत में आप शुद्ध कुचला, कुकटान, तवक भस्म और अवरक भस्म मिला दें। तो ये सभी औषधियाँ मिला के एक जान करके रख लें, और इसकी मात्रा जो है, ये जितनी औषधियाँ बने इसमें से आप 60 पुड़ियाँ बना लें, यानी लगभग 1.5 ग्राम से थोड़ी ऊपर की दवाई एक पुड़ी में आती है। तो ये आप 60 पुड़ियाँ इसकी बनाकर रख लें, एक एक पुड़िया आपने सुबह शाम देनी है, पानी के साथ, कुनकुने पानी के साथ एक एक पुड़ी सुबह शाम। आप चाहें तो इसके साथ एक एक गोली महाजोगराज गुगल भी दे सकते हैं, अगर हाजमे में कोई खराबी है तो अग्नितुंडी बट्टी दे सकते हैं, और इसके साथ आप अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, ये जो है ताकत की औषधियाँ भी दे सकते हैं। तो ये संधि शूल वात और आपका आर्थराइटिस जिसे बोलते हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये योग आप बनाएं और इसका इस्तेमाल करें, और इसमें परहेज जो है वो खट्टा तैलीय पदार्थ, शाम का खाना सूर्यास्त से पहले पहले करना, पेट में कब्ज ना रहने देना, यानी कब्ज हो तो मरीचन औषधि लेके पेट साफ करना चाहिए, ज़्यादा दर्द हो तो महानारायण तेल की मालिश भी कर सकते हैं आप, संधियों पे जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ हल्की मालिश कर लें, और खट्टा ठंडा तैलीय पदार्थ, आलू मटर चावल गोभी दही लस्सी, इन चीज़ों का पूर्ण रूप से परहेज रखना है जितने दिन आपकी ये औषधि चलेगी। तो ये औषधि आप कूलर में एसी में ज़्यादा देर नहीं बैठना है, ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं पीना है, ये औषधि आप बनाएं और इसका इस्तेमाल करें, और इसका संधि शूल वात में, संधि वात में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने लिया है, तो आप भी लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार है।